तो हाँ देखो यार, सबकी लाइफ में एक टाइम होता है ना जब तुम लोग यार बहुत पॉपुलर हो जाते हो। मैं पॉपुलराइज हुआ था सेठ जी के नाम से। तो चलिए सुनते हैं मेरी कहानी। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ माय चैनल, और आई एम प्रज्वल और सेठ जी। और ये कहानी है उस टाइम की जब मैं गया था क्लास 10th में। हम सब लोग अपने दोस्तों के निकनेम्स रखते हैं, तो ऐसे ही मेरा भी निकनेम रखा गया था सेठ जी। और सुनो, ये सिर्फ दोस्तों में नहीं था, मेरे आधे से ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स और मेरी कोचिंग के सारे प्रोफेसर्स मुझे बुलाते हैं सेठ जी। और हाँ, अब इस चैनल का नाम भी मैंने सेठ जी ही रखा है। यार मैं आज तुम लोग को वही कहानी बताने वाला हूँ कि कैसे मुझे सेठ जी बुलाने लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात है उस जमाने की जब मैं क्लास 10th में था। और जैसे ही देखो मैं 9th से क्लास 10th में गया, मुझे चढ़ा एकदम से भूत IIT का, था कि मुझे IIT की कोचिंग जानी है, मुझे IIT करना है। तो मैंने बहुत रिसर्च की, मैंने अपने बहुत दोस्तों से पूछा। तभी एक मेरा दोस्त है जिसको आज की इस वीडियो में हम बुलाएंगे, छुज्जू। तो छुज्जू ने ना मुझे रिकमेंड किया कि यार तुम इस कोचिंग में जाओ, यहाँ पे सर बहुत अटेंशन देते हैं और ये वो। उसने मुझे बहुत अच्छा अच्छा जब बताया, वो भी वहीं पढ़ता था। तो मैंने सोचा कि ठीक है यार, वहीं पे चलते हैं। तो मैं भी वहाँ चला गया। अब मामला ऐसा था कि मैं था क्लास 10th में और वो पढ़ाते थे 11th और 12th का। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि 10th का सिलेबस बहुत कम होता है उनके हिसाब से, मेरे हिसाब से ज्यादा था, मेरा तो फर्स्ट टाइम है। तो उन्होंने मुझे समझाया, उन्होंने कहा कि वो मैनेज करवा देंगे, वो हेल्प करेंगे। तो 10th का पढ़ता था और जो 11th का बैच था मैं उसमें बैठ जाता था। और तो एक दिन ऐसा क्या हुआ कि मैं क्लास के बाद, देखो तुम लोग जिसने कोचिंग की होगी उनको बताओ कि IIT की कोचिंग ज्यादातर 8:30-9 बजे तक छुट्टी होती है। तो वो मैं घर में लगता था कि ये बहुत ज्यादा टाइम है। तो ऐसे ही ना मेरी 8:30 बजे छुट्टी हुई और मुझे कुछ डाउट पूछना था, तो मैं गया, मम्मी ने कॉल किया, घर जाना है जाना है। देखो मेरा फोन ना हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम साइलेंट पे रहता है, क्योंकि मैं ज्यादा यूज भी नहीं करता, तो मैं साइलेंट पे रखता था। अब बाय चांस उस दिन मेरा फोन साइलेंट पे नहीं था, और सर के सामने मेरी जो फोन की रिंगटोन बजी ना, उसी रिंगटोन की वजह से मेरा नाम सेठ जी पड़ा है। तो वो रिंगटोन ना कुछ ऐसी थी, सेठ जी फोन उठा लो सेठ जी। तो यार मैंने अपनी नाक बंद करके ऐसी अजीब सी ऑडियो रिकॉर्ड की थी, और के सामने बजी, सर ना पानी पी रहे थे उस वक्त और पानी उनके मुंह से गिरा, बच्चे खड़े थे आगे और सबको इतनी ज्यादा सही, लिटरली एक वो दिन था। और उसके 6 महीने बाद, 6 महीने हो गए तब तो यार सब सर तब से तीनों मतलब पूरी कोचिंग में जितने सारे जितने सीनियर जितने बच्चे हाँ जिनको मैं जो मुझे जानते हैं उनको तो पता था कि मेरा नाम क्या है, बाकी यार सब लोग मुझे सेठ जी बुलाते थे। और जो भी कहूंगा सेठ जी रहो सेठ जी है ना। मन में जो क्लाइमैक्स था ना, वो एक दिन ब्रेक हुआ जब 11th का सेशन एंड होने वाला था, हम लोग 12th में जा रहे थे वो लोग, और मैं ओरिजिनली 11th में आ रहा था। तो मेरे बोर्ड एग्जाम टाइप का था, तो मैंने कहा था कि मैं नहीं आऊंगा सर से, मेरा एग्जाम है। तो उसी क्लास से पहले वाली क्लास में सर मैथ्स वाले सर एक एग्जाम्पल दे रहे थे, तो उन्होंने मेरा असली नाम क्लास में अनाउंस करके एग्जाम्पल दिया। थोड़ी देर के लिए ऐसा क्लास मचा कि देखो उन लोगों के लिए दो दो चीजें नहीं थी। पहली बात तो मैं उनके बैच के साथ 11th के साथ मैं 10th का लड़का बैठा था, और दूसरा उस लड़के को सेठ जी बुलाते थे सर, टीचर लोग भी सेठ जी बुलाते थे। और हाँ तभी से मुझे YouTube का सेठ जी बनने का शौक चढ़ा है। अच्छा तो और मुझे फैक्ट पता चला, एक और बात पता चली, मैंने कुछ टाइम पहले पापा को कॉल पे बात करते हुए सुना था, और मुझे पता चला कि मेरे पापा और दादू को भी उनके दोस्त, उनके जो दोस्त है वो सेठ जी नाम से ही बुलाते हैं। सो या दैट्स दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना, और ये ज़रूर बताना कमेंट्स में कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी, तो आप लोग ऐसी और वीडियोस चाहोगे कि नहीं। ये पता है स्टोरी टाइम वीडियोस मैंने देखा, आप लोग ट्रिगर्ड इंसान के चैनल पर काफ़ी अच्छी लगती है आप लोग को, तो मैंने सोचा मैं भी एक ट्राई करूँ, क्या पता आप लोग को अच्छी लगे। सो या दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू गाइस, बाय बाय। ठोक दीजिए महाकाल का, ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।